एम ऑडिबल? यस सर, यस सर। गुड। ओके, सो नाउ आई शेयर्ड स्पाइडर आईडी। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम प्रोग्राम व्हिच आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू ऑन योर गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम पे जो मैंने असाइनमेंट दिए आपको, जो आपको आपकी बुक में लिखनी है, वही प्रोग्राम हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम प्रोग्राम जो बेसिक जो प्रोग्राम थे इसमें से कुछ हमने कवर किए हैं ऑलरेडी। जैसे वो लिस्ट में पहला प्रोग्राम है हमारा पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। तो आई होप एवरी वन नोट्स हाउ टू राइट दिस प्रोग्राम। सबको पता है अगर मुझे एडिशन का पहला प्रोग्राम अगर करना है तो कैसे करना है। कोई है जो चाहता है कि ये प्रोग्राम वो यहाँ पे परफॉर्म करे तो वो परफॉर्म करेंगे हम। पहले करना है ये प्रोग्राम फिर से परफॉर्म। हेलो। यस हाँ हाँ सर, मतलब मुझे क्वेश्चन ऐसा था, वो जो असाइनमेंट में जो प्रोग्राम दिए है सर, वो बुक में लिखते समय मतलब हमें जैसे अपने पहले लेक्चर को, पहले दो लेक्चर को वो फ्लो चार्ट वगैरह निकाल के लिखे थे, वैसे लिखने हैं क्या? इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। सोहम सोहम साहिल, क्या नाम है आपका? सोहम 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 सोहम, इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। आपको एल्गोरिदम लिखना है, बाद में फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, और बाद में आपका कोड लिखना है आपके बुक में। मतलब सर, कोड आपको जैसे पाइथन में हमने जैसे टाइप किया वैसे के वैसे लिखना है क्या? हाँ, वैसे के वैसे लिखना है। अभी आपको ओके प्रॉब्लम सर। सॉल्व करना है ना। आपको जो प्रॉब्लम, जो एल्गोरिदम आपने लिखा, जो फ्लोचार्ट आपने लिखा लिखा निकाला, उसके लिए आपको कोड लिखना आना चाहिए। वही तो इम्पोर्टेंट है अभी हमें जो प्रोग्रामिंग पढ़ना है उसमें। जी सर, जी सर। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा है कि जो पहले 15 जो असाइनमेंट है इसमें बेसिक प्रोग्राम जो टाइटल है जिसका 1 to 15, वही आपको सॉल्व करने हैं। बाकी के आपको सॉल्व नहीं करने हैं फिलहाल। ओके सर, बाकी थैंक के यू सर। पूरे वो पूरे सेमेस्टर के लिए, हमारे पूरा सेमेस्टर मतलब 6 यूनिट जो है वो पूरे 6 यूनिट के लिए ऑल प्रोग्राम। अभी हमें सिर्फ 15 जो प्रोग्राम दिए है बेसिक, वही हमें उसके लिए हमें फ्लो चार्ट एल्गोरिदम और कोड लिखना है आपको आपकी बुक में। अभी पहला हमारा प्रोग्राम है। आई होप सब लोगों ने ये प्रोग्राम किया ही होंगे। अभी हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया है। अगर मुझे सर, यस मैंने कल सिंटेक्स का ट्राई किया था, बट मेरे को आउटपुट नहीं मिला सर। कौन सा सिंटेक्स? फॉर सर लूप वो का, व्हाइल लूप? व्हाइल लूप का किया था सर। ओके। अभी यहाँ पे देखिए, व्हाइल लूप के लिए एक प्रोग्राम मैं यहाँ से चूज करता हूँ। वन मैक्सिमम टू नंबर्स। अभी पहला प्रोग्राम तो सिंपल है, ठीक है? एक एक प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेते, आप लोग को भी समझ में आएगा। नंबर वन प्लस था मतलब हमें इजी जो भी करती थी वो हो जाता था, बट ये नंबर वंबर आउटपुट नहीं आ रहा था सर। मैं प्रिंट तो कर देती थी। ओके ओके ये सिंपल कोड हो गया हमारा पहले प्रोग्राम के लिए। आई होप सब लोगों ने किया होगा। एडिशन आ गया 5। ओके, किसी को डाउट है? ये पहला ही प्रोग्राम मुझे समझ में नहीं आया सर, मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किए, मुझे ये वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है पाइथन में वो पता नहीं है, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू कैसे असाइन करनी है, इसमें किसको डाउट है? नो सर, फिर से एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ना। ओके, यहाँ यस पे ओके, वही मैं पूछ रहा हूँ। जिसको भी कुछ लेक्चर किए होंगे ये समझ में है, वो लोग पूछ सकते हैं। आज पूरा लेक्चर जो है, आज और कल का जो पूरा लेक्चर है, हम जो हमारे 2 यूनिट हुए हैं उसके ऊपर ही जो भी बेसिक पाइथन हुआ है हमारा, फॉर लूप, डू व्हाइल, इफ, इफ एल्स, इलिप हुआ है, इसके ऊपर ही हम आज और कल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और शॉर्टली पैक डिटेल मुझे सांगा ना। काय मतलब? शार्ट पैक से थोड़ा सा डिटेल मुझे सांगा। कुठला टॉपिक? वॉइस इज ब्रेकिंग विदुर, काय म्हटलं तुम्हाला ऐकायला नाही आलेलं आहे? सर आवाज येत नाही तुम नाही, तुझा ब्रेक होतोय आवाज, मला काहीच सर, कळलं नाही।
सर तो म्हणतोय की शॉर्ट पेक्षा थोडस डिटेल मध्ये सांगावं असं म्हणतोय. ओके डिटेल डिटेल मध्ये ते कव्हर होऊनच जाईल, कारण सगळ्यांनाच इथे प्रोग्राम पुढे पुढे आपण गेलो पाहिजे हे पण महत्वाचं आहे ना. तर इथे आपण यापैकी आप हमने दो व्हेरिएबल डिफाइन किए, तो पहला व्हेरिएबल है नम वन जिसको मैंने दो वैल्यू असाइन की है, और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिफाइन किया नम टू और उसको मैंने तीन वैल्यू असाइन की. तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो जो वेरिएबल के नाम मैंने दिए है वो वेरिएबल के नाम आप आपके हिसाब से दे सकते हो. मैंने यहाँ पे नम वन नम टू दिया है, आप ए और बी दे सकते हो, सी और डी दे सकते हो, ओके ए वन ए टू दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है. वेरिएबल ऐसे जो मैंने डिफाइन किए वैसे आपको डिफाइन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं. और जो वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन किए टू एंड थ्री, तो जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं उसके ऊपर ही आपका इंटरप्रेटर उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है. जैसे मैंने यहाँ पे टू और थ्री ये दोनों वैल्यू असाइन किए, तो ये दोनों वैल्यू हो गई आपकी इंटीजर डेटा टाइप. ओके मतलब आपके इंटरप्रेटर को, पाइथन के इंटरप्रेटर को समझ में आएगा कि ये जो दो दो डेटा टाइप आपने लिए है ये इंटीजर टाइप के है. और यहाँ पे बाद में मैंने फिर से एक नया वेरिएबल डिफाइन किया. तो पाइथन में और बाकी लैंग्वेज में ये डिफरेंस है कि आपको यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. अगर यही प्रोग्राम मैं अगर सी लैंग्वेज में करता हूँ तो देखिए चेंजेस कैसे होंगे. यही पे मैं टाइप करता हूँ इंटीजर नाम इज इक्वल टू सेमी कॉलन देना पड़ेगा. देखो वही प्रोग्राम मैंने चेंज कर दिया सी लैंग्वेज में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबको. यस सर हाँ ये प्रोग्राम जो मैंने नीचे लिखे है जो लाइन, ये प्रोग्राम हो गया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम. और ऊपर जो अभी हमने प्रोग्राम लिखा वो सेम प्रोग्राम विथ सेम आउटपुट सेम वेरिएबल एवरीथिंग सेम, सिर्फ वो जो स्ट्रक्चर दिया है पाइथन ने और जो स्ट्रक्चर दिया है सी लैंग्वेज में उसमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आएगा. सी लैंग्वेज में मुझे जो वेरिएबल मैं डिफाइन करने वाला हूँ वो वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा रहने वाला है ये मुझे पहले स्पेसिफाई करना पड़ता है, जो हमें पाइथन में नहीं करना है. अब यहाँ पे प्रिंट है, यहाँ पे प्रिंट है भाई, वो जो भी स्ट्रक्चर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हमें मालूम होना चाहिए. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है हमारा जो लॉजिक रहने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम इन ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो चेंज नहीं होने वाला है. एडिशन करना है तो जो एडिशन जो अप्रोच है वो वही रहेगा, एडिशन का जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा. सिर्फ जो स्ट्रक्चर है वो हमें मालूम होना चाहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. ओके तो ये डिफरेंस है ये दोनों, ये पाइथन में और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जहाँ पे हमें जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो खुद समझ जाता है कि आपने जो वैल्यू असाइन की है वो उसके ऊपर से कि कौन सा डेटा टाइप है आपके ही वेरिएबल का. मतलब यहाँ पे अभी नम वन नम टू और सम ये तीनों जो वेरिएबल है दिस थ्री वेरिएबल बिलोंग टू इंटीजर डेटा टाइप. और जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा प्रोग्राम को तो यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा सम इज, यहाँ पे जो लिखा है मैंने मैसेज सम इज इक्वल टू. ओके ये प्रोग्राम में किसी को डाउट है अभी पूछिए. नो सर ठीक है अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है जहां में मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इन. यस पूछिए. हमें डिसाइड करना होता है क्या कौन सा डेटा टाइप हमें यूज करना है? हाँ आपको एज अ प्रोग्रामर आपके ऊपर है आपके प्रॉब्लम में क्या दिया है उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप प्रोग्राम लिखने वाले हो एज ए प्रोग्रामर. तो ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड है कि आपको वो प्रॉब्लम में कौन से टाइप के डेटा टाइप चाहिए. तो उसके बेसिस पे आप चूज करोगे कि मुझे
इंटीजर लेना है, मुझे डबल लेना है, मुझे फ्लोट लेना है, मुझे स्ट्रिंग लेना है, मुझे लिस्ट चाहिए, मुझे टपल चाहिए, ये एज अ प्रोग्रामर आपको डिसाइड करना है. लेकिन आप कब डिसाइड करोगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम अगर एडिशन ऑफ टू नंबर्स है तो वहां पे आप लिस्ट क्यों लोगे, कोई मतलब जरूरत ही नहीं वहां पे लिस्ट डिफाइन करने की. आपको एडिशन करना है तो एडिशन करना है तो मुझे दो ही वेरिएबल चाहिए और वो इंटीजर टाइप के चाहिए, तो उस तरीके से आपको डिफाइन होगा. ओके अभी दूसरा प्रोग्राम है, इसमें मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इन पाइथन. अभी देखिए मेरे पास प्रॉब्लम में ऐसे आ गया कि दो नंबर में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो मुझे फाइंड आउट करना है. अभी दो नंबर में से कोई नंबर मुझे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे कंपैरिजन आ गया, मतलब दो नंबर का एक दूसरे के साथ मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा. तो इसी प्रोग्राम को अभी चेंज कर देते, देखिए वेरिएबल सेम रहने देता हूँ मैं यहाँ पे, नम वन और नम टू, और यहाँ पे लिखता हूँ इफ. अभी प्रॉब्लम ऐसा है जहाँ पे हमें इफ एल्स इफ ये स्टेटमेंट का यूज करना है. अभी यहाँ पे लूप क्यों यूज नहीं करना है, आप कौन सा कौन से टाइप का प्रॉब्लम रहेगा जब आप लूप यूज करोगे, कोई मुझे आंसर दे सकता है इसका, कौन सी सिचुएशन रहेगी कि जब आप लूप यूज करोगे. रिपीट करने वाली क्वेश्चन यस, जब आपको कोई कोड रिपीटेडली कॉल करना है, ऐसा अगर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में ऐसी सिचुएशन आ रही है तभी आपको लूप यूज करना है, अदरवाइज नो नीड टू यूज द लूप. अभी यहाँ पे एक दो ही वेरिएबल है मेरे पास और दोनों का मुझे कंपैरिजन करना है, मतलब एक ही टाइम आ गया, एक बार ही कंपैरिजन होगा ना, आप मल्टीपल टाइम क्यों कंपैरिजन करने वाले हो दोनों का. आप एक बार अगर कंपैरिजन कर दिया ये दोनों नंबर का एक दूसरे के साथ तो आपको पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा मैक्सिमम नंबर है. तो यहाँ पे सीधा डिफाइंड हो गया कि मुझे इफ इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखूँ इफ नम वन ग्रेटर देन नम टू प्रिंट अगर ग्रेटर है तो हम लिखेंगे नम वन इज मैक्सिमम एल्स प्रिंट. अगर नम वन ग्रेटर नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नम टू मैक्सिमम हो जाएगा. सेंसिटिव है इसलिए. देखिए अभी सेकंड प्रोग्राम किया है मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ एक बार कंपेयर करना है. अगर नम वन ग्रेटर हो गया तो ये इफ में जो मैंने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट नम इज मैक्सिमम ये प्रिंट हो जाएगा. अगर ये जो कंडीशन है हमारी इफ वाली ये अगर फॉल्स है तो सीधा वो क्या करेगा, एल्स में जंप करेगा और एल्स में जो भी हमने लिखा वो प्रिंट हो जाएगा. अभी इसको एग्जिट करता हूँ मैं, देखिए नम टू इज मैक्सिमम क्योंकि नम वन की वैल्यू टू है, नम टू की वैल्यू थ्री है, टू ग्रेटर देन थ्री कंडीशन फॉल्स हो गई. कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो इफ में जो भी हमने लिखा वो एग्जिट नहीं होगा, एल्स में जो भी हमने लिखा वो प्रिंट हो जाएगा. अभी फिर से आप एल्स में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हुए होगा क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई. एंड अभी फिर से इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. देखिए देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया नम टू इज मैक्सिमम प्रोग्राम एंड. अभी कंडीशन अगर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे नम टू ग्रेटर देन नम वन, कंडीशन चेंज कर दिया मैंने इफ वाली, अभी कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी. कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ में जो भी हमने स्टेटमेंट लिखे वो प्रिंट होंगे. देखिए अभी आउटपुट नम वन इज मैक्सिमम, यहाँ पे ये नम टू चाहिए, नम वन चाहिए, नम ये कंडीशन चेंज किया मैंने, बाकी कुछ भी नहीं. ओके
ये प्रॉब्लम ही किसी को डाउट है अभी पूछिए। ये सेकंड असाइनमेंट है जो सर भी, हाँ जो भी हमने असाइनमेंट देख रहे हैं आप लोग, पीडीएफ ओपन किया सब लोगों ने, डाउनलोड किया होगा सभी प्रोग्राम वगैरह, कुछ लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे आपकी बुक में। यस सर ओके, अभी ऑफलाइन चालू ही होगा 7, तो ऑनलाइन वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं आप लोगों को। ये जो भी असाइनमेंट आप लोगों ने लिखे ऑफलाइन 7 से आया है नोटिस, मतलब अगर 7 से हो गया चालू तो तभी मैं क्लास में चेक कर लूंगा आपकी जो बुक है, असाइनमेंट जो आपने सॉल्व की मैं तभी के तभी चेक कर लूंगा। ओके, अभी अपलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं आपको। अभी तीसरा प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सर 1 to 15 असेसमेंट करायचे ना. हाँ 1 to 15 करायचे, मी ऑलरेडी सांगितलं होतं। तो अभी देखिए थर्ड प्रोग्राम है, इसमें पाइथन प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ओके, तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है हमारे पास, तो कैसे लॉजिक स्टार्ट करोगे, किसी ने सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व होगा ये? यस दस, सर ठीक फॉर्मूला है ना. है ना, 5 का अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो कितना होगा बताइए, डायरेक्टली वैल्यू आउटपुट क्या आना चाहिए 5 का फैक्टोरियल? वन ट्वेंटी 120, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 आया है? यस सर हाँ 120 आने वाला है, आउटपुट यस सर 120 आना चाहिए। ओके, ये अभी समझ में आ गया, मतलब हमें प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम अगर समझ में आ रहा है हमें तो उसका हमें फॉर्मूला भी मालूम पड़ गया कि मुझे फैक्टोरियल अगर किसी नंबर का निकालना है तो कैसे निकालना है। तो ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम है ये आपके जो एंड सेम रहेगा और आपका जो इन सेम रहेगा उसमें ऐसे प्रॉब्लम आने वाले हैं, ध्यान में रखना चाहिए। प्रोग्राम आएंगे एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोग्राम में क्या एरर है, अगर एरर नहीं है तो प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ये आपको वहाँ पे जो भी ऑप्शन रहेंगे मतलब जो हमारा इन सेम होगा उसमें आपको इस टाइप के छोटे छोटे प्रॉब्लम होंगे वहाँ पे। वो प्रॉब्लम में एक तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एरर आएगा क्या। ओके, प्रोग्राम में एरर आएगा क्या ये आपको फाइंड आउट करना है, अदरवाइज एरर नहीं है प्रॉब्लम में तो आउटपुट क्या आएगा ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास एमसीक्यू में, प्रोग्राम पूरा एज इट टाइप रहेगा वहाँ पे एज अ प्रॉब्लम, और वहाँ पे आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको फिर प्रोग्राम कंपाइल करना आना चाहिए कि प्रोग्राम में कोई एरर है क्या, मतलब वहाँ पे 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा कि प्रोग्राम में एरर है और बाकी जो ऑप्शन रहेंगे वो आउटपुट रहेंगे, अलग अलग आउटपुट दिए जाएंगे। उसमें से एक तो एरर है प्रोग्राम में, ये ऑप्शन अगर सही में एरर है तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको कंपाइल करना आना चाहिए पूरा प्रोग्राम और आपको वहाँ पे आंसर लिखते आना चाहिए कि प्रोग्राम में एरर है। अगर नहीं है प्रोग्राम में एरर तो फिर अलग जो 2-3 अलग और ऑप्शन रहेंगे आपके पास उसमें से कौन सा आउटपुट करेक्ट है। ओके, अभी इन सेम मतलब हमारा एमसीक्यू बेस रहेगा तो वहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखने का तो नहीं रहेगा कि प्रोग्राम लिखना है आपको पूरा, लेकिन अलग अलग प्रोग्राम रहेगा आपको सीधा, उसमें से आपको कंपाइल करके अलग अलग आउटपुट जो ऑप्शन रहेंगे 4 उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसको मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5। अभी मुझे बताएगा मुझे कौन सा लूप लेना पड़ेगा कि मुझे इफ स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है मेरे प्रोग्राम की? व्हाइल लूप ओके, अभी कोई बताएगा मुझे कि मैं, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे मुझे बताया कि व्हाइल लूप लेना है, तो क्यों लूप लेना है मुझे यहाँ पे? रिपीटेशन रिपीटेशन करना है सर हमको जब तक एंड नहीं होगा. करना है, यस। अभी मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है वेरिएबल को 5। तो फैक्टोरियल कैसे होता है, जो हमारा जो नंबर दिया जाता है उससे वो एक्चुअल नंबर -1 मतलब 4, 4 - 1 मतलब 3, 3 - 1 मतलब 2, 2 - 1 मतलब 1, मतलब यहाँ तक हमें क्या करना है उसको रिपीटेडली जब तक वो 1 पे नहीं आता है तब तक उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब हम जो भी कोड लिखेंगे उसको क्या करने वाले हैं, रिपीटेडली कॉल करने वाले हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है हमारे प्रॉब्लम में जहाँ पे हमें कोई भी चीज मतलब हमारा कोड रिपीटेडली कॉल करना है, मतलब कोई फॉर्मूला रिपीटेडली कॉल करना है,
कोई स्टेटमेंट हमें रिपीटेडली कॉल करना है तो वो टाइम पे हम लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही सिचुएशन आ गई फिर से कि मुझे जो भी किसी नंबर का मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, वो जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसको रिपीटेडली कॉल करना है जब तक वहां पे वो एंड नहीं होता। तो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में। ओके, नम वन इज इक्वल टू फाइव, बताइए अभी वाई कंडीशन क्या रहेगी, कोई बता सकता है मुझे? I greater than or equal to one. तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, लूप जब हम लेते हैं तो पहला हमें क्या काम करना पड़ता है, हमारे दो काउंटर वेरिएबल। समझ में आ रहा है क्या लोगों को सबको? हाँ सर, मैंने पहले ही बताया, कुछ लोगों को नहीं, मैं जो लोग कर रहा है बाकी भी सबको ही पूछ रहा हूँ मैं। 101 लोग यहाँ पे हमारे क्लास में, उन सबको पूछ रहा हूँ मैं। हम क्यों अभी ये जो स्टूडेंट ने बताया कि काउंटर वेरिएबल लेना है, जब हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप के टॉपिक डिस्कस किए थे तभी हमने पहला स्टेप वहां पे मैंने बताया था कि अगर हमें लूप लेना है तो मुझे लूप लेना है मतलब कंडीशन आ गई, और जहाँ पे कंडीशन आ गई और लूप आ गया वहां पे काउंटर वेरिएबल इज मैंडेटरी, मतलब आपको लेना ही है वहां पे काउंटर वेरिएबल। अगर आपने काउंटर वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, जैसे यहाँ पे मैंने पूछा आप, मैंने यहाँ पे नम वन वेरिएबल डिफाइन किया, नम वन निकाल देता हूँ, नम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको 5 वैल्यू असाइन कर दी। ओके, और यहाँ पे व्हाइल लिख दिया और मैंने यहाँ पे पूछा अब बताइए मुझे कंडीशन क्या होगी, तो आप यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ नम, ये हमने एक वेरिएबल है मेरे पास इसलिए मैंने वहां पे नाम लिया, और यहाँ पे कंडीशन लिखना है मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अलग अलग ऑपरेटर है हमारे पास, नॉट इक्वल टू, खूब बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी नम के साथ मैं ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन किसके साथ उसको कंपेयर करूंगा, कंडीशन किसके साथ चेक करूंगा, वो तो आपने काउंटर वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, ये आपके ध्यान में आना चाहिए। यार मैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, जो वेरिएबल कौन सी चीज के लिए मैंने डिफाइन किया, क्योंकि वो नंबर का मुझे फाइंड आउट करना है। छोड़ो ये भी काम कर देते, मैं यहाँ से ये नम भी हटा देता हूँ, मैं ये 5 वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, मैं 5 वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, नम को यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे 5 का मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। अभी 5 भी आपने लिया फॉर एग्जाम्पल आपके कंडीशन में, और 5 आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जो भी कुछ अलग अलग ऑपरेटर है आपके पास उसका यूज करके आप यूज उसको कंडीशन अप्लाई करोगे, लेकिन किसके साथ आप कंपेयर करोगे, जब तक आप काउंटर वेरिएबल डिफाइन नहीं करोगे आप वहां पे कंडीशन ही नहीं लिख सकते हो आपके लूप में। इसलिए आप जब भी कोई लूप यूज करोगे, वेदर इट इज फॉर लूप और डू व्हाइल लूप, आपको वहां पे काउंटर वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे 5 लिया मैंने, मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, इसलिए अभी इसको कंपेयर किसके साथ करोगे, आपने कुछ वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, सिर्फ आपको इतना ही पता है कि मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, लेकिन किसके साथ कंपेयर करोगे, कैसे उसको 4 × 5 ऐसे आना चाहिए ना आपके, मतलब जो लॉजिक लगने वाला है हमारा उसमें ऐसे होना चाहिए ना, 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारा लॉजिक है, मतलब 5, मतलब हमारा मैक्सिमम 5 का हमें फैक्टोरियल ड्रॉ कर फाइंड आउट करना है। तो एक बार 5 का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 5 एक से डिक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब वो 4 होना चाहिए, फिर से 5 4 का एक से डिक्रीमेंट होना चाहिए, 3 होना चाहिए, फिर से 3 का एक से डिक्रीमेंट होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 का फिर से एक से डिक्रीमेंट होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, और जब तक 1 नहीं आता तब तक ये जो रिपीटेडली कॉल होने वाला है ये चालू रहना चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं काउंटर वेरिएबल क्यों लेने वाला हूँ, सिर्फ 2 लोगों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, सब लोगों को बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में आई डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, और आई अगर डिफाइन किया तो आई को कंपेयर करना है मुझे 5 के साथ, ठीक है, तो मुझे आखिरी का नंबर पता है कि मुझे जब तक 1 वैल्यू नहीं आने वाली
फैक्टोरियल का ये जो मल्टीप्लिकेशन ही चालू रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे आई को वन इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई आई ग्रेटर देन आई, अदरवाइज यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज, मतलब पांच का मुझे फैक्टोरियल निकालना, इसलिए मैंने पांच लिखा, ध्यान में रखिए। आपको अगर वही कोड में सिर्फ आपको 10 निकालना है, सिर्फ वहां पे वैल्यू चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे पांच लिख रहा हूँ। अभी बताइए कंडीशन, कोई फॉर्मूला कुछ बताएगा मुझे, किसने किया होगा तो? सर एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा क्यों, और उसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा वो अभी इसने जो बताया। यस जस्ट बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बोला है। अभी देखिए, अभी मैंने मेरा काउंटर वेरिएबल का काम हो गया, कि मुझे समझ में आ गया कि काउंटर वेरिएबल डिफाइन करना है। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। अभी मैं मुझे दूसरा एक सोचना है यहाँ पे, कि मेरा जब फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, जैसे मैंने एडिशन किया दो नंबर का, एडिशन किया तो उसको कहीं पे तो स्टोर करना है मुझे एडिशन को, इसलिए मैंने सम डिफाइन किया। वैसे जब मेरा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब 120 जो आउटपुट आने वाला है हमारा, वो कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा, वो स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लगने वाला है मुझे। ओके, तो यहाँ पे मैं फैक्ट नाम का वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ और उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ। हेलो सर, वन देना पड़ेगा, जीरो दे देंगे तो मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा सब फैक्ट को। हाँ ठीक है ना, वो अभी हम धीरे धीरे वो लॉजिक की तरफ जा रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, नो डाउट, लेकिन ये सबको समझना चाहिए, इसलिए मैं वन बाय वन कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये बता रहा हूँ आपको। ओके ओके सर, अभी जैसे हमने एडिशन किया तो मैंने क्या किया, सम वेरिएबल को जीरो से असाइन कर दिया पहले। तो कभी भी कोई वेरिएबल, अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन सम करना है मुझे, मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन, किसी वेरिएबल को जीरो से क्यों असाइन किया जाता है, क्योंकि एक गार्बेज वैल्यू नाम का एक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग में। ओके, अभी मैं चेंज करके थोड़ा, अभी ये टाइम हमारा कंज्यूम होगा लेकिन समझना चाहिए, इसलिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मतलब हर टाइम नहीं होता है, लेकिन ये कंसेप्ट है हमारे प्रोग्रामिंग में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ने जाओ। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए आउटपुट जीरो आ गए। अभी देखिए, जैसे मैंने अभी ये हो गया पैरामीटर हो गया ये पाइथन का। अभी पाइथन में देखिए, यहाँ पे मैंने अगर कुछ डिफाइन नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं किया वेरिएबल को, तो यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड नेम आ गया, क्योंकि मैंने इसको वैल्यू असाइन नहीं की। और पाइथन में क्या हो रहा है, पाइथन में जब तक हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते है, तब तक वो डेटा टाइप डिफाइन नहीं होता है। इसलिए जब मैंने फैक्ट ये सिर्फ वेरिएबल डिफाइन किया, उसको इनिशियलाइज नहीं किया और उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे ही वेरिएबल डिफाइन किया तो उसको देखो यहाँ पे आउटपुट एरर क्या है, अनडिफाइंड नेम फैक्ट। लेकिन यही चीज अगर मैं सी लैंग्वेज में करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे डिफाइन करना है इंटीजर फैक्ट, और ये करेक्ट डिक्लेरेशन है सी लैंग्वेज में, जो कि पाइथन में इनकरेक्ट डिक्लेरेशन है। यस सर, इसलिए क्या होता है, अगर मैं पाइथन ने ये जो हमारा गार्बेज वैल्यू का जो इश्यू है वो यहाँ से निकाल ही दिया है, लेकिन आप पाइथन छोड़ के सी लैंग्वेज पढ़ने वाले हो, C++ पढ़ने वाले हो, जावा पढ़ने वाले हो, तब आप लोग को ये कंसेप्ट आ जाएगा कि व्हाट डज इट मीन बाय अ गार्बेज वैल्यू, और गार्बेज वैल्यू कैसे प्रिंट होती है। कोई भी वैल्यू को अगर कुछ इनिशियलाइज नहीं किया और उसको प्रिंट किया, तो कुछ भी एट रैंडम एवरी टाइम जब आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो, अलग अलग नंबर कुछ भी प्रिंट होते रहे आपके कंसोल पे। लेकिन यहाँ पे पाइथन ने वो गार्बेज वैल्यू का जो कंसेप्ट है यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि जब तक मैं कोई वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करूंगा, तब तक आपके पाइथन को समझ में नहीं आएगा कि ये कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अभी फिर से यहाँ पे आते, टाइम जा रहा है इसमें। ओके, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन हो गया। अभी मैंने ये इसमें मुझे क्या करना है, मुझे स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, मुझे
जो भी फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा वो मुझे इसमें स्टोर करना है। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि फैक्टोरियल जब हम निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, 4 × 5 × 3 × 2 × 2, और कभी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी जीरो आ गया, फॉर एग्जांपल ये पूरा मल्टीप्लिकेशन आ गया, इसका 120 हो गया, लेकिन इसमें अगर फॉर एग्जांपल इनटू जीरो आ गया, क्या हो जाएगा 120 का आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो 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 ठीक है, मतलब जीरो अगर कोई भी मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 1 लाख को भी मल्टीप्लाई जीरो कर दिया तो 1 जीरो हो जाएगा। तो ये अगर मुझे मालूम है कि मल्टीप्लीकेशन जीरो के साथ होता है तो जीरो आता है, तो मुझे समझ में आता है कि मुझे फैक्टोरियल को जीरो से इनिशियलाइज नहीं करना है, मुझे 1 से इनिशियलाइज करना है। मैंने फिर से जीरो को यहाँ से निकाल दिया और मेरा जो एक वेरिएबल मैंने, जो मेरा फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल डिफाइन किया उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ओके तो यहाँ पे फैक्टोरियल इज इक्वल टू, बताइए कोई मुझे यहाँ पे लॉजिक F into I, F into I, क्या? ये fact into I, अभी यहाँ पे मैं एक काम करना पड़ेगा, मुझे मैंने जो 5 वैल्यू लिए है सीधा, इसको एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा और फिर से मैं यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। मतलब मुझे ये जो नम वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसका हमें क्या करना है, उसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आएगा, नम कोई बताएगा मुझे यहाँ पे लॉजिक? ये फैक्ट जो है नहीं क्या वेरिएबल सर, फैक्ट इनटू आई, फैक्ट वेरिएबल नहीं क्या फैक्ट, फैक्ट इनटू इनटू आई, आई अभी यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियलाइज की है हमने 1 से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब वो 1 तक जब तक नहीं जाता वो लूप को क्या करना है, हमें इटरेशन करना है। और आई की वैल्यू जब 5, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू चाहिए, समझ में आ रहा है? इक्वल टू क्यों लिया मैंने, क्योंकि 5 को भी हमें काउंट करना है वो हमारे फैक्टोरियल में, इसलिए। हाँ और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसका करना है मुझे, I इज इक्वल टू I प्लस 1। करेक्ट है लॉजिक? यस माइनस सर। आएगा सर, आई माइनस 1 आएगा, डिक्रीमेंट करेंगे ना, नहीं इंक्रीमेंट करेंगे। नहीं यहाँ पे आप दोनों तरीके से वो कर सकते हो, मैं वही बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपका लॉजिक अलग है तो हो सकता है, नो इश्यू। अगर आप नम को डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, नम को डिक्रीमेंट करो फिर, अदरवाइज आई को इंक्रीमेंट करो। यहाँ पे देखिए फैक्ट इंटू 1 × 1 1 आ जाएगा, बाद में 2 वैल्यू हो जाएगी 1 × 2, मतलब वो 2 हो जाएगा, बाद में 2 × 2 फॉर हो जाएगा ये लॉजिक गलत है यहाँ पे। और कोई बताएगा मुझे लॉजिक? इंटू 1 करेक्ट है, किसको लग रहा है ये करेक्ट है? कैलकुलेट कीजिए,
पहले आर की वैल्यू वन है, वन लेस देन इक्वल टू नम, नम फाइव है हमारा यहाँ पे, फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन मतलब पांच इंटू वन कितना हो गया, पांच हो गया ओके। नम की वैल्यू एक से कम हो गई मतलब चार आ गया यहाँ पे, आई लेस देन इक्वल टू फोर करेक्ट, फिर से फैक्ट फोर इंटू फाइव कितना हो गया 20, फिर से 3 इंटू 20 60, फिर 2 इंटू 60 120 करेक्ट। ये हमारा लॉजिक है, अभी मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ आउटपुट करेक्ट है, ये देखिए आउटपुट आ गया हमारा 120। मतलब ये व्हाइल लूप के अंदर जो हमने दो स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट कब तक कॉल होने वाली है, 5 6 20 एक 5 4 3 2 1 जब तक ये 1 नम की वैल्यू 1 हो जाएगी तब भी एग्जिट होगा, नम की वैल्यू जब 0 हो जाएगी हमारा ये व्हाइल लूप फॉल्स हो जाएगा और सीधा एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल। अभी ये देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम का एक बेनिफिट क्या है, यहाँ पे नम हमने जो डिक्लेयर किया उसको अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 10 वैल्यू कर देता हूँ, तब हमें 10 का फैक्टोरियल डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे नम की वैल्यू 10 कर दी, एग्जिट कर रहा हूँ मैं, देखिए फैक्टोरियल कितना आ गया 36,28,800। मतलब नम की वैल्यू चेंज कर लीजिए आप, जो भी फैक्टोरियल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सर लेते हैं 3 का, ये देखो 6 आ गया। यस बोलो सर, जैसे कि मुझे इनपुट बताना है कि मैंने जैसे कोड रन करने के बाद मुझे यूजर को जो इनपुट देना है कि यूजर चाहता है कि वो डाले कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो भी हाँ वो भी यहाँ पे करके हम देखते हैं। हाँ वो बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए अब चेंज कर दी इसको, अभी यूजर से हम वैल्यू लेते हैं, यूजर जो वैल्यू चाहता है वो वैल्यू एंटर करेगा और उसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट होके मिलेगा। इंटीजर इनपुट यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी एंटर द नंबर ओके। देखो मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अभी क्या होगा, यूजर कुछ वैल्यू एंटर करेगा और वो वैल्यू का हम फैक्टोरियल वहां पे प्रिंट करेंगे। तो इसको एग्जिट करता हूं मैं, देखो यहाँ पे आउटपुट में एंटर द नंबर आ गया, मैं यहाँ पे 4 एंटर करता हूँ, आउटपुट 24 प्रिंट हो गया ओके। यहाँ पे फिर से एग्जिट करता हूँ, एंटर द नंबर, यहाँ पे 5 करता हूँ और 120 आ गया ओके। समझ में आ रहा है यहाँ पे, मतलब यूजर से भी हम इनपुट ले सकते हैं और जो यूजर इनपुट करेगा उसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके यहाँ पे मिलेगा ओके। अभी नेक्स्ट जाते हैं हम, पाइथन प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये क्या होगा, यहाँ पे हमें कुछ भी इफ नहीं यूज करना है, क्या बोलते हैं यहाँ पे लूप वगैरह कुछ भी हमें यूज नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप वैल्यू डिफाइन कर दीजिए, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखिए, जैसे हमने सम का किया है वैसे ये प्रोग्राम आपका फाइंड आउट हो जाएगा ओके। पाइथन प्रोग्राम जो है हमारा ये 4 नंबर का आपका आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें 4th नंबर के प्रोग्राम में, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। इसमें से एक 8 नंबर का प्रोग्राम लेता हूं मैं, एरिया ऑफ सर्कल भी ये हो चुका है, सीधा आपको फॉर्मूला डालना है वहां पे और हो जाएगा। इसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कल ये भी छोटे छोटे प्रोग्राम भी मैं एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सर्कल में सर पाई की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी ना पहले हमको, हाँ डिफाइन करनी पड़ेगी ओके। हाँ ये आपके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता नहीं, ये कांस्टेंट है लेकिन ये आपको खुद होके डिफाइन करना पड़ेगा आपके प्रोग्राम में, वो वेरिएबल ओके। एरिया ऑफ सर्कल किसी को यहाँ पे करके दिखाना है, सर मुझे आता ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालना है, अभी यून नंबर का लेते हैं,
पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स इन एन इंटरवल. प्राइम नंबर्स का लेते हैं. यस सर. ओके, तो अभी हमें मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है. सेम यही प्रोग्राम को हम क्या करते मॉडिफाई करते. तो ये नम वाला यहाँ से निकाल देता हूँ मैं. तो यहाँ पे हमें दिया गया है रेंज, मतलब अगर मैंने 1 to 100 लिया तो 1 to 100 में जितने भी प्राइम नंबर है वो मेरे आउटपुट में प्रिंट होने चाहिए. ये उसका प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है कि जितने भी आपके जो भी इंटरवल है 1 to 10 है, 1 to 20 है, 10 to 20 है, 20 to 100 है, उसमें जितने भी प्राइम नंबर है वो प्रिंट होने चाहिए. Everyone, please mute. Okay. तो यहाँ पे मुझे ये फैक्ट में निकाल देता हूँ, कोई मुझे है ही नहीं इसका. अभी यहाँ पे मुझे रेंज पूछा गया, एक रेंज में मुझे प्राइम नंबर प्रिंट करने. तो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर लूप लेता हूँ. अभी यहाँ पे फॉर लूप क्यों लेंगे हम, कोई बताएगा मुझे? रिपीटेशन. यस, रिपीटेशन भी है. तो रिपीटेशन है तो व्हाइल लूप भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ पे मुझे उन्होंने इंटरवल एक वर्ड दिया है, इंटरवल. तो इंटरवल मतलब रेंज वाला फंक्शन हमने कल डिस्कस किया था, और ये रेंज वाला फंक्शन हम हमारे फॉर लूप में यूज कर सकते हैं. तो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ व्हाइल लूप आई एम गोइंग टू यूज अ फॉर लूप फॉर दिस प्रॉब्लम. ओके, तो यहाँ पे फॉर लूप यूज करते हो. आई ऑलरेडी एक काउंटर वेरिएबल डिफाइन किया, आई इन रेंज. और रेंज में हम क्या करते हैं, हम एक इंटरवल डिफाइन करते हैं. मैं डिफाइन कर देता हूँ 1 to 100. मतलब अभी मुझे 1 to 100 में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनको सबको मुझे प्रिंट करना है. ओके, और क्या करते हैं, अभी मुझे लॉजिक मालूम होना चाहिए कि कौन से नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है. कोई बताएगा मुझे किस नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है? इसका ओनली टू फैक्टर होते हैं, व्हिच इज नॉट डिविजिबल, परफेक्टली नॉट डिविजिबल, परफेक्टली एनी नंबर. ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे रेंज लिए, रेंज दिया है इसलिए मैंने फॉर लूप तो ले लिया. यहाँ पे अभी मुझे जो ऐसे नंबर है 1 to 100 में जो परफेक्टली डिविजिबल, मतलब जो डिवाइड होने के बाद उनका क्वेश्चन जो रहता है, मतलब जो रिमाइंडर वगैरह वो जीरो नहीं आता है, ऐसे नंबर जो रहते हैं वो हमारे प्राइम नंबर हो गए सर. ओके, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल प्राइम. अभी बताइए यहाँ पे मैं मुझे क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, कोई बता सकता है? कोई बता सकते है यहाँ पे क्या हो सकता है? किसी को सॉल्व ही नहीं किया अभी तक ये प्रोग्राम. अभी यहाँ पे सीधा एक सिंपल लॉजिक, मैंने प्राइम एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको 1 वैल्यू असाइन कर दी. ओके, बाद में प्राइम इज इक्वल टू प्राइम प्लस 2 कर दिया. ओके सर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा अभी? प्लस 2 क्यों करना सर? नहीं, मैंने मेरे तरफ से लॉजिक लगाया, आप उसमें अपडेट कीजिए. मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ठीक है प्रोग्राम टाइप करके हो गया हमारा एग्जीक्यूट, आप लोगों को कुछ सोचना है उसके ऊपर. ये करेक्ट है मैंने जो किया? क्या मॉडिफाई होगा इसमें, मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं इसमें? क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है इसमें? यस, हाँ पूरा क्या हो सकता है? यश,
प्राइम प्लस टू डिवाइड बाय आई, प्राइम प्लस टू डिवाइड बाय आई, आई टू वन है, वन तो फिर हर टाइम क्या होगा है? वो डिविजिबल हो जाएगा, बताओ तो I is equal to I plus 1. I is equal to I plus 1. I plus bracket I plus 1. Yes, sir. I say? Yes. 1 plus 1 plus 1, 2, 3 हो गए. फिर से I को मैं यहाँ पे I is equal to I plus 1 increment कर दूंगा. Next time I की value 2, 2 plus 2 plus 1, 5. फिर ये 3 हो जाएगा, 3 plus 3 plus 1, 7. बाद में 4, 4 plus 4, 1. 9 हो जाएगा. बाद में 5 plus 11. Is it correct? No sir, 9 आने पर वो तो 9 अगर आ रहा है तो 9 नहीं है हमारा प्राइम नंबर, पर 9 इज नॉट प्राइम नंबर. थोड़ा सा और चेंज करना पड़ता है. और बताइए कोई कुछ आप सर, ऐसा हो सकता है क्या? A number which divisible by only one and itself. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी जैसे ये आ गए 9, मतलब यहाँ पे हमें एक if statement लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि कुछ नंबर प्राइम नहीं है लेकिन वो आपके जो लॉजिक आप लगा रहे हो वो लॉजिक में वो कंसीडर हो रहे हैं. और बताइए इफ का कंडीशन लेने से होगा ये सॉल्व? नो सर. फिर सिर्फ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं हमें, बाकी कुछ भी नहीं. क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं? एकदम हम नजदीकी है उसके सॉल्व करने की. सर वरना हम लोग ऐसे स्टेटमेंट मतलब कर सकते हैं ना कि जो नंबर टू नहीं तो थ्री से डिवाइड हो सकता है फिर वो प्राइम नहीं होगा. यस सर, मतलब ऐसा फाइंड होना चाहिए जो जिसमें सर टू से डिवाइड ना हो, टू और थ्री. यस टू और थ्री. हाँ सर, ऐसा इफ स्टेटमेंट. अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं यहाँ पे. तो ये फॉर लूप का हो गया हमारा, यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ. अगर हमारा आई I है इनिशियली 1, 1 मॉडुलो 2. ओके, मॉडुलो 2 मतलब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है. ओके, डिवाइड होने के बाद ओके वो जो यहाँ पे 2 है, 2 डिवाइड 2 मॉडुलो 2 0 आ जाएगा. ओके, तो 2
सर सबसे पहले ऐसा कुछ बोल सकते हैं जैसा कंप्यूटर की इवन नंबर आपको प्रिंट नहीं करना है एक्सेप्ट और फिर उसके बाद जो ऑड बचे उसमें से हम लोग प्राइम नंबर निकाल सकते हैं क्या? नहीं, ये जो लॉजिक पहले वाला है हमारा ऑलमोस्ट करेक्ट लॉजिक है, सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, 9 आ गया था। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देखो 1 चेंज कर देता हूँ मैं, ये हमारा करेक्ट है लेकिन 9 आ रहा था यहाँ पे, तो प्राइम के बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाल देता हूँ, इफ प्राइम मॉडुलो 2 इज इक्वल टू अगर 0 है, और ये 2 नहीं आएगा, और 9/3 हो गया, मतलब कितना आ रहा है 9/3 इज 0, मतलब आई देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसने क्या करना चाहिए, उसको प्रिंट नहीं करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसने प्रिंट करना चाहिए। अभी और बाद में मैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि अगर ये 0 अगर आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम करते हो, हमने कल कंटिन्यू स्टेटमेंट किया था, मैंने मेरे हिसाब से लॉजिक लगाया है, इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं और बाद में ये प्रिंट, मतलब यहाँ पे मैंने अभी पूरा ही इसके ऊपर सोचा, लेकिन जब हम 9 आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, 9 वो प्रिंट कर रहे थे, लेकिन 9 हमारा प्राइम नहीं है, तो इस सिचुएशन में अगर 9 मैं ऐसे यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, इफ 9 मॉडुलो 3 तो ये 0 आ रहा है, तो 0 अगर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर का डिवाइड होने के बाद, तो क्या होगा, वो कंटिन्यू होना चाहिए, उसको प्रिंट नहीं करना चाहिए उसने। एक बार इसको करके, एक मिनट सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये जो हमारा रेंज है इसको हम कम कर देते, 15 कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब मुझे 1 to 16 जितने भी प्राइम नंबर है वो प्रिंट होने चाहिए। अभी इसको एग्जीक्यूट करते देखिए आउटपुट क्या आ गया, ये जो हमने प्राइम इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 जो किया, ये हमारे यहाँ पे लॉजिक करेक्ट नहीं है। यस सर, यहाँ पे क्योंकि वो भी आ जा रहे नंबर्स, उसके ऊपर जा रहे हैं ना, एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे उसको मैं कमेंट कर दिया। प्राइम प्रिंट हो रहा है, मतलब हर बार प्राइम भी प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे प्राइम प्राइम को यहाँ पे चेक करना है, आई प्राइम को एज अ काउंटर वेरिएबल ले रहा हूं मैं, फॉर लूप हो गया हमारा, इफ यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि ये लॉजिक करेक्ट नहीं है,
मैं वो रेंज के बाहर वाला प्राइम नंबर नहीं फाइंड आउट करना है, इसलिए प्लस प्लस वाला तो लॉजिक करेक्ट है ही नहीं। यहाँ पे स्पेसिंग क्या प्रॉब्लम आ गया? फॉर प्राइम इन रेंज 1 to 16, इफ प्राइम ओके आई इज नॉट डिवाइड डिविजिबल आई इज इक्वल टू इनिशियली 1, प्राइम को भी इंक्रीमेंट करता हूं मैं और इसको भी इंक्रीमेंट करता हूं। देखिए ये सिर्फ लॉजिक लगा रहा हूं मैं, कुछ मैंने प्रोग्राम मैंने अगर पहले कर लिया मतलब ये ऐसा आने वाला ऐसे मैंने लिख दिया तो कुछ मतलब नहीं। हम ये लॉजिक के ऊपर अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है यहाँ पे हमारे यहाँ पे 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट में से कुछ 5-6-10 अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, मतलब आउटपुट सेम रहेगा सबका लेकिन लॉजिक अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये मैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसको लॉजिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी आपके दिमाग में जो आ रहा है वो अलग अलग वो लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे प्रोग्राम में। डायरेक्टली 15 प्रिंट हो गए। 2 के साथ में हो रही इसके वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन देखो आप लोग अभी इसमें क्या आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वन मॉडुलो 2 0 नहीं है, कंटिन्यू हो जाएगा, 2 मॉडुलो 2 0 है, ठीक है। लेक्चर का टाइम भी हो गया, फिर से इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और हम इवन ऑड नंबर और जो भी हमारे इसमें वो अलग अलग प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे, मतलब हमें भी मालूम पड़ेगा कि क्या नए लॉजिक के साथ क्यों क्या नए कंसेप्ट के साथ हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके आपका दूसरा लेक्चर होगा और प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कल यही प्रॉब्लम को आगे बढ़ेंगे और बाकी भी जो असाइनमेंट में दिए वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके सर, अटेंडेंस